चलो एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना। ठीक है, ये रीजनिंग का चैप्टर है, शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उसमें थोड़ी सी बात लिखते हैं इसकी परिभाषा के रूप में। इसमें शब्दों के क्रम के अनुसार शब्दों के क्रम के अनुसार उत्तर को देना होता है। ठीक है, पहली बात। नंबर दो, कभी कभी दिए गए शब्द से उत्तर में दिए शब्दों को बनाते हैं। उत्तर में दिए शब्दों को बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है थोड़ी सी वर्ड फॉर्मेशन की। ये एक तरीके का वर्णमाला परीक्षण भी है। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे एक शब्द जी आ जाता है, उसका अनुसरण करके ये देखना होता है उसमें कौन सा शब्द बन जाएगा। और दूसरा ये, इसमें एक और शब्द दिया जाता है, अभ्यर्थी से कहा जाता है कि शब्द का पहला, तीसरा, पांचवा, आठवा, ये तो हमने बना लिया था लेकिन एक नहीं हुआ पाया था, वो कर ले रहे। हालांकि ये हमने कर रखा है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के भीतर, लेकिन और थोड़े से और ज्यादा अलग तरीके से इसको कर ले रहे हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, देखो क्वेश्चन पे आ जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन से निम्न में, कंस्ट्रक्शन से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख ले रहे हैं इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन है सक्शन, ऑप्शन ए बी सी डी में दिए हैं, बी सी और डी। ऑप्शन ए में दिया सक्शन, SUCTION, सक्शन। दूसरा दिया है कॉइंस, COINS, कॉइंस। दूसरा दिया है क्वेश्चन, CAUTION, क्वेश्चन। और चौथा दिया है इसमें मोशन, MOMOTIONS, मोशंस। ठीक है, मोशंस नहीं, एस नहीं, मोशन है खाली। तो आपको ये बताना है कि इस कंस्ट्रक्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। तो ये बताएंगे आप लोग जल्दी से, तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, करो जल्दी से, देख लेते हैं। ऊपर वाले में से ही बनाना है। ठीक है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये हमने किया भी है कोडिंग टू कोडिंग। ओके, तो ज्यादा परेशानी वैसे होने नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा है, ये ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन इस तरीके से लिखे मैंने। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, दिख रहा होगा आपको, करो जल्दी से। ठीक है, करो जल्दी से, इसका क्या होगा। तो इसमें ये जांच करनी है कि कौन से शब्द बन सकते हैं। तो एक तो बन सकता है, कौन सा, कॉइंस बन सकता है, क्योंकि सी ओ सी है, ओ है, आई है, एन है, एस है, तो ये बन सकता है। ठीक है, और कौन सा बन सकता है, मोशन नहीं बन सकता क्योंकि एम नहीं है, ये नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, ए नहीं है। सक्शन बन सकता है, CSUCTION, SUCTION, ये बन सकता है, SUS है, यू है, सी है, टी है, आई है, ये, तो
तो दो बन सकते हैं, ये किए ये किए, ठीक है लिख लो। एक और चलते हैं, एक और लिखते हैं इसको बिगाड़कर वर्ड फॉर्मेशन को। एक और क्वेश्चन बनाते हैं कि शब्द दिया है नेशनलाइजेशन, एन ए टी ए एल आई टी ए आई ओ एन, नेशनल एन ए एन एन ए नेशनलाइजेशन एन ए टी आई ओ टी आई ओ है, मिक्स कर दी, टी आई ओ नेशन नाइलेशन एन ए टी आई ओ एन ए एन ए टी आई ओ एन ए एन ए एल आई एस ए टी आई ओ एन नेशनलाइजेशन शब्द से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ए बी सी और डी ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऑप्शन ए में दिया है एन ओ एन ओ ए टी आई ओ एन, दूसरे में दिया है सेलिनेशन एस ए एल आई टी ए सेलिनेशन सेलिनेशन एन ए टी आई ओ एन सेलिनेशन, तीसरे में दिया है इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन आई एन एस टी ए इंस्टॉलेशन एल ए टी आई ओ एन इंस्टॉलेशन टी ए डबल एल टी ए डबल एल कर लो टी ए डबल एल टी ए डबल एल इंस्टॉलेशन एल ए टी आई ओ एन। अगला है सैनिटेशन सैनिटेशन एन एस ए एन आई टी ए टी आई ओ एन सैनिटेशन एस ए एन आई टी ए टी आई ओ एन सैनिटेशन। ये बताना कौन सा बन सकता है, बताना आपको इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है नेशनलाइजेशन शब्द से। इनके अक्षरों को प्रयोग करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं बनाओ, तब तक जल्दी से तो इसको देख ले रहे हैं कौन सा शब्द बनेगा। तो नेशनलाइजेशन से देखते हैं, एन नोशन बन जाएगा, एन ओ ए टी आई एन है, ओ है, ए है, टी आई ओ एन, तो एक बन जाएगा। सेलिटेशन बन जाएगा सेलिनेशन सेलिनेशन, एस है ठीक है सेली एल आई एन ए टी आई ओ एन सेलिनेशन, ठीक है सेलिनेशन बन जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन बन जाएगा आई एन आई डबल एल है, क्या डबल एल नहीं है इसमें, तो इसलिए डबल एल नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा, और बाकी का सेलिनेशन ये है, इंस्टॉलेशन ये तो बन ही गया था, इंस्टॉलेशन की बात चल रही है, तो डबल एल है ये नहीं बनेगा ना, एक ये है सैनिटेशन। सैनिटेशन में क्या एस है ए एन आई आई है टी ए टी आई, तो यानी कि दो टी है क्या, दो टी है, हाँ। है? अच्छा दो आई है क्या, दो आई है तो ये बन जाए। तो जो नहीं बनेगा वो है कौन सा, इंस्टॉलेशन, तो राइट आंसर ये। इस तरीके से कभी कभी प्रश्न आते हैं, अब जैसे इसमें तीन बन रहा है, तीन शब्द बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यहां ये भी लिख सकता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे इंस्टॉलेशन नहीं बनाया जा सकता, बाकी तीन बनाए जा सकते हैं। ये भी पूछ सकता है सवाल में, तीन बनाने के लिए पूछ देगा और एक नहीं बनाने के लिए पूछ देगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
तो एक अब ये तो हो गया, ये शब्द हमें बनाने होते हैं, ठीक है समझ गए। तो अब इसमें टाइप टू और आ जाता है, एक टाइप टू, तो टाइप टू पे बात कर ले रहा हूं, टी बाई टी टाइप टू डालो, तो अब ऐसे आ जाए तो बना लोगे, ठीक है सही है ना। चाहे तो उसमें से अक्षरों को ले ले, चाहे शब्द को ले ले, पीछे से नेशन लिख ले, नेशन लिख ले ऐसे नेशन, तब भी आप समझ लोगे बन जाएगा, ठीक है। ऑन समझ ले, ऑन लिख ले तब भी आप समझ लोगे ये बन जाएगा, ठीक है। सेट समझ ले तो भी आप, तो ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ हो वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बिगाड़े दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, फिर देखते हैं आपने क्या समझा। तो टाइप टू पे आ जाते हैं, टाइप टू कहता है कि हमारा कि इसमें कुछ शब्दों का क्रम होता है, टाइप टू में क्रम होता है, वो क्रम को हमें अक्षरों में जो है क्रम को उत्तर में देखना होता है, शब्द लिखे होंगे फिर आपको ये क्रम से लगाने होंगे, कैसे देख लेते हैं। जैसे टाइप टू में लिख लो, टाइप टू इसमें 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 तो इसमें एक सार्थक क्रम होता है, ठीक है, इसमें शब्दों का, इस टाइप में शब्दों का एक सार्थक क्रम होता है, तो उस सार्थक क्रम के अनुसार, शब्दों का एक सार्थक क्रम होता है उसके अनुसार हमें लगाना होता है शब्दों को। तो शब्दों को लगाएंगे हम कैसे, एक सार्थक क्रम है, मीनिंगफुल एक क्रम होता है। जैसे मैंने शब्द लिख दिए यहाँ भ्रूण, फिर मैंने लिख दिया शिशु, एक बच्चा, फिर मैंने लिख दिया किशोर, किशोर के बाद मैंने लिख दिया, किशोर के बाद मैंने लिख दिया क्या, तो इसमें एक बच्चा किशोर, उसके बाद क्या है, फिर क्या है इसमें, किशोर के बाद फिर हम कह सकते हैं युवा, युवा के बाद फिर प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद फिर वृद्ध। बोर्ड पे दिख रहा है ना, तो यहाँ युवा के बाद मैं लिख सकता हूं प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद वृद्ध। एक क्रम है ये, किसका क्रम है, बच्चों का, उस इंसान के जीवन का एक सार्थक क्रम है ना, एक मीनिंगफुल क्रम है। सबसे पहले क्या आता है, एक भ्रूण होता है पेट में किसी माँ के, और भ्रूण के बाद फिर क्या बनता है, वो शिशु जन्म लेता है, शिशु के बाद जब थोड़ी सी आयु उसकी बढ़ती है तो उसको कहते हैं बच्चा, ठीक है, बच्चा भी बोल सकते हैं या फिर उसको किशोर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बच्चा लगा देते हैं पर बच्चा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शिशु के बाद, शिशु से थोड़ा बालक बोल सकते हैं या बालक कह लो, बच्चा नहीं अच्छा लग रहा तो बालक कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, किशोर, है ना, किशोर, किशोर जो होता है तो 12 से 14 से लेके 16 के बीच में, ठीक है, और 18 से ऊपर हो जाता तो फिर वो क्या हो जाता है, युवा, युवा, युवा के बाद फिर उम्र जो बढ़ती है फिर उसको कहते हैं क्या, प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद फिर जो उम्र बढ़ती है वो है वृद्ध। एक ये है कि एक क्रम है, ये कैसा है, एक क्रम है कि नहीं है, तो ऐसे ही क्रम को हमें क्या सजाना होता है, स्टेप टू में, और ऑप्शन में दे दिया होगा, जिसको एक दे दिया, मैंने दो दे दिया, तीन दे दिया, चार दे दिया, पांच, छह और सात, तो आप कैसे बनाएंगे, ऑप्शन में, ऑप्शन ए दे देगा एक दो तीन चार पांच छह सात, ऑप्शन बी दे देगा एक दो तीन पांच छह सात, ऑप्शन सी दे देगा एक दो पांच छह सात तीन, फिर या और भी दे देगा चार, ठीक है, तो डी ऑप्शन दे देगा छह सात दो तीन एक दो तीन एक चार पांच, ऐसा एक क्रम दे देगा। तो बताओ क्या सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऊपर वाला, एक क्रम से, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन बोलता हूं फिर काम इस पे आगे आगे बढ़ाते हैं। जैसे लिखें तो देखते हैं, तो इसमें मैंने बोल दिया है, तो लिखो देश, और एक नंबर पे लिखेंगे, नंबर वाइज चलेंगे इसमें, ठीक है, इसमें नंबर वाइज चलेंगे, एक नंबर पे लिखो देश, दो नंबर पे लिखो लकड़ी, दो नंबर पे लिखेंगे लकड़ी, एक नंबर पे देश, दो नंबर पे लकड़ी, लकड़ी,
तीन नंबर पे लिख ले रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर। चार नंबर पे लिख लेते हैं जंगल। पांचवें नंबर पे और लिख लेते हैं एक और, जंगल के बाद पेड़। अब ये ऑप्शन दे दिए इसके आधार पे, तो कह दिया कि ऊपर लिखे, लिखो ऊपर लिखे शब्दों को, ऊपर लिखे शब्दों को विकल्प में, विकल्प में दिए गए उत्तरों के आधार पर। दिखाई दे रहा है ना, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, आधार पर, ठीक है, दिए गए आधार पर उत्तर दीजिए, आधार पर उत्तर दीजिए, यहां दे दिया कि उत्तर दीजिए, ठीक है। अब यहां विकल्प दे दिया ए बी सी डी, चार विकल्प दे दिए और विकल्प एक में दे दिया 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, और विकल्प दो में दे दिया 1 1 4 3 1 4 3 2 5, ठीक है। विकल्प सी में दे दिया, जल्दी से लिखो, सी में दे दिया 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5, और विकल्प डी में दे दिया आपका तो 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4। तो आपको कैसे बताना आप पता लगाओ, अभी मैंने जो बताया था उसी क्रम के आधार पे, तो ये क्रम के आधार पे आपको सवाल का जवाब देना है। तो बताओ जल्दी से क्या हो सकता है इसमें उत्तर, कीजिए। तो चलो देख लेते हैं इसमें आंसर। तो पहला है ऑप्शन क्या है, ए, तो ए में दे रहा है 1 3 5 4 2, एक मतलब देश, तीन मतलब जंगल, तीन मतलब फर्नीचर, देश के बाद सीधा फर्नीचर कैसे आ जाएगा, तो ये तो कट गया। दूसरा देख लेना 1 4 3 2 ये वाला, तो एक पे क्या है देश, चौथे नंबर पे जंगल, चलो देश होगा फिर जंगल होगा, तीसरे नंबर पे फर्नीचर, जंगल में पेड़ होने चाहिए, तो ये नहीं है, ठीक है, दो कट गए। तीसरा देख लेना 2 4 3 1, दो पे क्या है लकड़ी, लकड़ी के बाद क्या है जंगल, तो लकड़ी जंगल ये सही नहीं मिल रहा, ये देख लेना 5 2 3 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4, तो पांच पे क्या है पेड़, फिर दो पे क्या है लकड़ी, लकड़ी के बाद क्या है फर्नीचर, फर्नीचर एक पे क्या है देश, फिर क्या है जंगल, तो ये नहीं बात बन रही, तो अपना ई ऑप्शन एक बैठा लेना है। तो पहले हम बना दे रहे क्या देश, पहले एक देश होगा, ठीक है, एक नंबर देश में होगा कौन, जंगल, जंगल, जंगल कितने पे चार, तो चार जंगल, ठीक है जंगल, फिर उसके बाद जंगल में क्या होगा, जंगल में होगा पेड़, पांच पेड़, फिर पेड़ पे, पेड़ पे क्या होगी लकड़ी, दो, दो नंबर लकड़ी, और लकड़ी से बनेगा फर्नीचर, फर्नीचर मतलब तीन नंबर, तो 1 4 5 2 3, ये राइट आंसर है। अगर कोई नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बता दो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस तरीके से ये सवाल होगा, बिगाड़ दो, ठीक है, फिर नए सवाल की ओर चलते हैं, नया सवाल देखते हैं किस तरीके से एक नया सवाल आ जाता है। देखो सलाह, एक नंबर पे सलाह, नंबर 2 3 4 5, दो नंबर पे उपचार, उपचार, तीन नंबर पे बीमारी, चार नंबर पे डॉक्टर, पांच नंबर पे मरीज, ठीक है मरीज, मरीज नहीं स्वास्थ्य सुधार कर लो, स्वास्थ्य सुधार कर लो, मरीज तो फिर सही नहीं लगेगा, स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार,
अब इसके ऑप्शन मैं बना दे रहा हूं, ए बी सी डी, ठीक है। तो मैं बना दे रहा हूं पहले तीन, उसके बाद बना दे रहा हूं चार काम होगा। ट्रीटमेंट करना, उस उपचार मतलब बीमारी को सही करना, ठीक है। ट्रीटमेंट, उपचार को मतलब ट्रीटमेंट। तो मैंने बना दिया तीन, तीन के बाद फिर मैंने बना दिया चार, तीन चार, फिर उसके बाद मैंने बना दिया, उसके बाद बना दिया मैंने एक, फिर मैंने बना दिया दो, और फिर मैंने बना दिया पांच। दूसरा मैंने बना दिया कि मैंने पहले बना दिया एक, फिर दो, तीन, चार, पांच। तीसरा ऑप्शन मैंने बना दिया पांच, उसके बाद पांच के बाद दो बना दिया, दो के बाद फिर मैंने एक बना दिया, फिर तीन बना दिया, फिर चार बना दिया। अगला मैंने बना दिया क्या? अगला मैंने बना दिया दो, दो के बाद पांच, फिर तीन, फिर एक, चार। बताओ इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बताओ, आप लोग भी बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके से ये सवाल को बना दिया है, तो ये क्रम से बताना है कि सलाह, उपचार, बीमारी, डॉक्टर, स्वास्थ्य, सुधार। इसमें ये बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट वाला, चलो इन्होंने बताया फर्स्ट वाला, आप लोग भी बताइए। चलो बताएं फर्स्ट वाला कैसे, फर्स्ट वाला कैसे। सबसे पहले जो बीमार व्यक्ति था वो डॉक्टर के पास सबसे पहले बीमार होगा कोई, बिल्कुल सही। बीमारी आएगी, यानी कि बीमारी आ गई पहले, फिर फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया, बीमार होके डॉक्टर के पास जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर फिर डॉक्टर उसे कोई सलाह देगा, डॉक्टर एक सलाह देगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट देगा, सलाह में उपचार होगा, बिल्कुल सही है। ट्रीटमेंट देगा, ट्रीटमेंट के फिर बाद वो स्वस्थ हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद वो स्वस्थ हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। ये इसका ऑप्शन है, बाकी के सभी ऑप्शन गलत है। इस तरीके से एक शब्दों का सार्थक क्रम है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एक नई क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार, टेक केयर।